हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बॉलीवुड के 10 सबसे महंगे तलाक के बारे में बताने जा रहा हूँ। बॉलीवुड में बहुत सी ग्रैंड शादियाँ हो रही है। इन ग्रैंड शादियों में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कई शादियाँ इतनी महंगी होने के बावजूद अधिक दिनों तक टिक नहीं पाती। बॉलीवुड में अक्सर अफेयर के बाद ब्रेकअप और शादी के बाद तलाक की खबरें आती रहती है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटी को तलाक के बदले बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आइए जानते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटियों के 10 सबसे महंगे तलाक के बारे में। नंबर 10, लिंडर पेस विद रिया पिलाई। संजय दत्त से तलाक के बाद रिया पिलाई ने टेनिस प्लेयर लिंडर पेस से शादी की थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद दोनों ने तलाक ले लिया। लिंडर पेस से तलाक के बाद रिया को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपए मिले थे, जिसमें 90,000 बेटी की परवरिश और पढ़ाई के लिए थे। नंबर 9, अरबाज खान विद मलाइका अरोरा। अरबाज और मलाइका ने साल 1988 में शादी की थी। साल 2017 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बदले मलाइका ने अरबाज से 15 करोड़ रुपए की मांग की थी। नंबर 8, आदित्य चोपड़ा विद पायल खन्ना। आदित्य चोपड़ा ने साल 2001 में पायल खन्ना से शादी की थी। रानी मुखर्जी से शादी करने के लिए आदित्य ने 2009 में पायल को तलाक दे दिया। तलाक के बदले पायल ने आदित्य से भारी भरकम रकम मांगी थी, लेकिन आदित्य ने उन्हें कितनी बड़ी रकम अदा की इसका कोई अभी तक खुलासा नहीं हुआ। नंबर 7, फरहान अख्तर विद अधुना भवानी। फरहान और अधुना ने साल 2000 में शादी की थी। शादी के 16 साल बाद 2017 में दोनों अलग हो गए के बाद अधुना ने फरहान को बांद्रा के बैन स्टैंड स्थित 10,000 स्क्वायर फीट वाले बंगले की मांग की है। इसके अलावा फरहान ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी अधुना को अच्छे खासे पैसे देते हैं। आमिर खान विद रीना दत्ता। आमिर और रीना ने अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ साल 1986 में शादी की थी। शादी के करीब 16 साल बाद 2002 में दोनों अलग हो गए। कहा जाता है कि तलाक के बाद आमिर को काफ़ी मोटी रकम अदा करनी पड़ी थी। रीना को दी गई एलिमनी की कीमत करीबन 50 करोड़ रुपए थी। नंबर 5, सैफ अली खान विद अमृता सिंह। सैफ अली खान ने अपने से 13 साल बड़ी अमृता सिंह से साल 1991 में शादी की थी। शादी के 13 साल बाद साल 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया। छोटे नवाब को अपनी आधी संपत्ति बच्चों के नाम करनी पड़ी थी, लेकिन इस तलाक में कुल कितनी रकम सैफ को भरनी पड़ी इसका कोई स्पष्ट खुलासा नहीं किया गया है। अमृता सिंह को दी गई एलिमनी के रूप में रकम उस समय करीब 5 करोड़ रुपए थी। नंबर 4, प्रभुदेवा विद रामलता। डांसर एक्टर डायरेक्टर प्रभुदेवा की शादी साल 1995 में रामलता से हुई थी। 16 साल बाद साल 2011 में दोनों ने तलाक ले लिया। इस तलाक के बदले प्रभुदेवा ने रामलता को करीब 25 करोड़ रुपए दिए, 2 महंगी गाड़ियां और हर्जाने की राशि 10 लाख अलग से दिए थे। 3, करिश्मा कपूर विद संजय कपूर। अभिषेक बच्चन के साथ सगाई टूटने के बाद करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के थोड़े टाइम बाद ही उनकी जिंदगी में कई परेशानियां आने लगी। साल 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया। करिश्मा से तलाक के लिए संजय को 14 करोड़ रुपए भरना पड़ा और साथ ही दोनों बच्चों का खर्च भी वही उठा रहे हैं और अपना एक शानदार बंगला भी उन्हें करिश्मा के नाम करना पड़ा। नंबर 2, संजय दत्त विद रिया पिलाई। संजय दत्त ने साल 1998 में रिया पिलाई से दूसरी शादी की थी। संजय रिया से बेहद ही प्यार करते थे, लेकिन रिया का अफेयर टेनिस स्टार रिंडर पेस के साथ था, इसलिए 2005 में उनका तलाक हो गया। इस तलाक पर संजय दत्त को 8 करोड़ रुपए, एक लग्जरी अपार्टमेंट और एक महंगी कार देनी पड़ी थी। 1, ऋतिक रोशन और सुजैन। ऋतिक रोशन और सुजैन की शादी साल 2000 में हुई थी, लेकिन 2003 में दोनों का तलाक हो गया। दोनों बॉलीवुड के आदर्श कपल माने जाते थे। इनके तलाक की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। कहा जाता है कि सुजैन खान ने एलिमनी के रूप में ऋतिक रोशन से 400 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसके बाद 380 करोड़ एलिमनी के रूप में सुजैन को दिया गया और ऋतिक रोशन और सुजैन खान की तलाक
बॉलीवुड की सबसे महंगे तलाक है। तो हाय दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना।